Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum potential listeners. I hope everyone is doing great with the grace of Allah Almighty. Uh, we are going to start our second chapter that is Iqbal's message to youth, and this chapter is written by Wahidullah. Firstly, we will be looking at the pre-reading. I will read it out and let you understand what does it mean actually. Pre-reading iqbal wants to see the qualities of an eagle shaheen in his young nation what are the qualities of an eagle that makes it superior to other birds now this is a question for you guys iqbal wants to see the qualities of an eagle in his young nation firstly they have studied he wanted to see his young nation's he wanted to see the qualities of शाहीन in his young nation. तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या शाह की qualities हैं तो जो सबसे बड़ी quality शाहन की है वो ये है कि शाहीन जो है he never feeds upon the dead. इसका क्या मतलब हुआ आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपना शिकार करते हैं या खाते हैं जब कोई दूसरा एनिमल चरिंद परिंद मर जाता है तो उसके ऊपर बाकी एनिमल्स खाते हैं लेकिन शाहीन की एक बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हलाल खाता है हलाल से क्या मुराद हुई हलाल से मुराद ये हुई कि शाहीन जो है ये अपना शिकार हमेशा ज़िंदा परिंदे पे करता है फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिश खाता है तो ये जिंदा मछली को समंदर की तह से निकाल के ले आता है इसके बाद क्या है शाहीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है हार्ड वर्क से हार्ड स्ट्रगल से गुजर के शाहीन जो है वो अपना वर्कआउट करता है काम करता है तो इकबाल यही चाहते हैं कि इकबाल की जो नई कौम है नौजवान नस्ल है वो इस कदर बाहिम्मत हो कि वो अपना रास्ता ख़ुद तलाश करे और वो शाहीन की तरह हमेशा हलाल कमाए तो अब रीडिंग की तरफ मूव करते हैं इकबालस मैसेज टू यूथ इकबाल का नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज है तो फर्स्टली यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा इकबाल का बैकग्राउंड मिल रहा है कि इकबाल ख़ुद कौन थे इकबाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मुस्लिम पोइट्स एंड फलासफर्स ऑफ द इंडियन सब इकबाल ना सिर्फ शायर थे बल्कि वो मुफकर भी थे और वो सिर्फ पाकिस्तान के शायर नहीं थे बल्कि वो बरेर पाक व हिंद के शायर थे और आप जो हैं वो आउट स्टैंड का क्या मतलब होता है कि जो बहुत प्रमिनेंट होना तो इकबाल और भी बहुत सारे शुरा गुजरे मफकर गुजरे लेकिन इकबाल जो है उन सब में एक आउट एक प्रोमिनंट मुस्लिम शायर थे हिज इंटलेक्चुअल जीनियस हेज़ रेंड सुप्रीम इन द एरिया ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी वट डू यू अंडरस्टैंड फ्राम द टर्म इंटलेक्चुअल जीनियस, इंटलेक्चुअल जीनियस से ये मना जाता है इंटलेक्ट ऐसी चीज़ ऐसी क्रिएशन जो अपने इंटलेक्ट से की जाए अपनी जहानत से की जाए तो वट वाज इकबाल इंटलेक्चुअल जीनियस, इकबाल की इंटलेक्चुअल जीनियस उनकी पोइट्री थी और रेंड कहते हैं हकूमत करने को रूल करने को तो, तो जो इकबाल की शायरी है इंटेक्चुअल जीनीस हेज़ रेंट सुप्रीम इन द एरिया ऑफ इस्लामिक फ़िलासफी तो इकबाल की शायरी ने क्या किया कियाकूमत की इन द एरिया ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी और वो किस से आपकी जो आपकी शायरी थी वो क्या मैसेज था उसके अंदर वो इस्लाम का मैसेज था फॉर इंस्टेंस इकबाल का एक शेर है खुदा लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू जुबा तू है यकीन पैदा कर ए गाफ़िल के मकलूब गुमा तो हैं अब ये बेसिकली ट्रांसलेशन है हदीसी कदसी की अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी ज़ुबान बन जाऊँगा और मैं नेक एक काम करोगे तो मैं तुम्हारे हाथ बन जाऊँगा तो ये बेसिकली इकबाल की जो इंटेलेक्चुअल जीनियस है ना वो इस्लामिक फलासफी के साथ सिंग करती है और ये इसने रेन की हकूत की ना सिर्फ ड्यूरिंग द ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी से क्या मुराद होती है अच्छा अब आप देखें वी आर लिविंग इन द ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी लेकिन हम क्या लिखते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो सेंचुरी जो है वो आपका हमेशा राइटिंग में एक डिजिट फि पीछे चलता है एक फ़िगर पीछे चलता है तो ट्वेंटी सेंचुरी से क्या मुराद हुई हंड्रड ई ईयर्स फ्राम नाइनटीन हंड्रेड टू नाइनटीन नाइन्टी नाइन एंड विल डायरेक्ट एंड इन्फ्लुंस द इस्लामिक इंटलेक्चुअल ट्रेडिशन इन द टवेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी एज़ वेल अब वो वो क्या कह रहे हैं कि इकबाल की फ़िलासफ़ी उनकी पोइट्री सिर्फ ट्वेंटियथ सेंचुरी के लिए नहीं थी बल्कि वो आज भी मुसलमानों को और इस्लामिक जो भी ट्रेडिशन है उनको आज भी मुतासर करती है हि सबलाइम पोइट्री सबलाइम का मतलब होता है सीरियस हिज सबलाइम पोइट्री एंड फिलासफ़ी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स अब उनकी जो पोइट्री है और दर्द भरी या सीरियस जो पोइट्री है उनकी और जो उनके फ़लासफ़ी है फ़िक्र है उनकी उसने मिलियंस ऑफ मुसलमानों को जगाया टू द रियलिटी ऑफ टाइम टू वेक अप टू द रियलिटी ऑफ टाइम इससे क्या मुराद है कि जो भी उस वक्त की ज़रूरत थी उस वक्त में इकबाल की शायरी ने मिलियंस यानी लाखों लोगों को आपने अपनी, अपनी शायरी के ज़रिए से क्या किया जगाया और उनको इस काबिल बनाया कि वो एनफोर्ज अ डेस्टिनी फॉर दैमसेल्स फोर्ज का मतलब बहुत है बनाना तो ये जो वेल्डिंग का काम करते हैं ना दो चीज़ों को फोर्ज करना उसको कहते हैं तो फोर्ज का मतलब बहुत है जोड़ना या बनाना तो यहाँ पे किस तरह से है एनफोर्ज डेस्टिनी फॉर देंसेल्स कि वो अपनी किस्मत खुद बनाएं ही वॉज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ़ यूथ आफ़ उमा हेड स्ट्रक्चर द रियलिटी हैड स्ट्रक्चर दिय रियल डिस्टिनी मुस्लिमेंट आउट ऑफ दिट ऑफ सब एजुकेशन अर्लियर देन दे डेड अब क्या कह रहे हैं कि क्यों इकबाल जो है अपनी फलासफी के थ्रू मुसलमानों को इंस्पायर करना चाहते थे क्योंकि इकबाल ये जानते थे कि अगर मुस्लिम उमा ने अपनी सही तरीक़े से डिस्टनी बना ली किस्मत बना ली और उस उन्होंने अपनी रियल डेस्टिनी को जान लिया तो क्या होगा कि वो बहुत जल्द ही बरेसगीर के मुसलमानों को आउट ऑफ द पिट पिट बेसिकली स्टमक के निचले हिस्से को कहते हैं पिट ऑफ सब्जुगेशन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि ग़ुलामी की जंजीरों से गुलामी से निकाल लेंगे अर्लियर देन दे डेट बहुत जल्द ही निकाल लेंगे यंग जनरेशन इज़ द स्टैंडर्ड बियरर ऑफ एनी नेशन यंग जनरेशन क्या होती है यूथ क्या होती है वो स्टैंडर्ड बियरर होती है स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है किसी मुल्क का मैार बरकरार रखना तो किसी भी मुल्क का मैार कब बरकरार रहता है उसकी इज़्ज़त किससे होती है उसकी नौजवान नस्ल से इफ़ देर इज चनलाइज इन प्रॉपर डायरेक्शन जब उनकी एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज की जाएगी उन्हें प्रॉपर रास्ता दिया जाएगा तो उससे क्या होगा इट कैन ब्रिंग सी चेंज इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आएंगी किस किस चीज़ में सोशल लेवल पर सोशल लेवल से क्या मुराद है किसी मुल्क के सोशल सोशल मामलों क्या होते हैं कि उनकी इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत अच्छी होगी फ्रेंडली मामला होंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर वो वर्कआउट कर सकेगी पॉलिटिकल मामलों क्या होते हैं विद इन द कंट्री और इवन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कंट्री uh, प्रोग्रेस करेगी पॉलिटिक्स आपकी अच्छी होगी आपकी हुकूमत हुक्मरान आपके अच्छे होंगे जो आपका आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे आपके मुल्क को भलाई की तरफ ले कर जाएँगे ना कि तबाह की तरफ ले कर जाएंगे उसके बाद इकनॉमिक फैब्रिक इकनॉमिक यानी ओब्वियसली जब मुल्क आपका तरक्की करेगा आपके इंटरनेशनल मामल अच्छे होंगे आपके समाजी रबिते अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री जो है वो प्रोग्रेस भी करेगी और आपकी करेंसी की भी वैल्यू इनक्रीज होगी कीपिंग दिस व्यू इन माइंड इकबाल फोकस्ड ऑन द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ़ द यूथ इन हिज पोइट्री अब यही नज़र रखते हुए यही नज़रिया रखते हुए इकबाल ने अपनी पोइट्री के अंदर बार बार फोकस किया बार बार उजागर किया क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूथ यानी हर इंसान का कोई ना कोई टैलेंट होता है इकबाल का टैलेंट उनकी पोइट्री थी तो यही टैलेंट यूथ का इकबाल ने उजागर करने की कोशिश की अपनी नौजवान नस्ल के अंदर अब इकबाल कहते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमंद इसे क्या मराद मरा हुई इकबाल कहते हैं कि जो बड़ा सोचते हैं जो सितारों के बारे में सितारों से आगे जाने के बारे में सोचते हैं जो बहुत आगे जाने के बारे में सोचते हैं मुझे बेसिकली मोहब्बत उन नौजवानों से और ही नौजवान मेरे मुल्क का असासा है इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है इकबाल नौजवान इज़ मर्द मोमिन अब इकबाल अपने नौजवान को के बारे में क्या सोचते हैं इकबाल का नौजवान कैसा होना चाहिए इकबाल का नौजवान जो है मर्द ममन होना चाहिए मर्द मोमिन ऐसी शख्स कहते हैं जो अल्लाह ताला के रस्ते पर चले मुजाहिद अल्लाह की राह में जिहाद करे शाहीन उसके अंदर शाहीन की क्वालिटीज़ हो एक्सप्लोर व तलाश करने वाला हो एडवेंचरर चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला ढूंढने वाला हो सियर सीयर बेसिकली कहते हैं ऐसे शख्स को जो फ्यूचर देख सकता हो लेकिन बींग मुस्लिम हमारा यह मानना है कि वी कॉन्ट सी फ्यूचर तो यहाँ पे सीयर का मानी है ऐसा शख्स जो हक को बातिल में इंसा जो हक को बातिल में फ़र्क कर सके हुज़ एम इज़ गोइंग हायर एंड डीपर लाइक ईगल और उसका क्या गोल हो उसका क्या एम हो क्या मकसद हो जिंदगी का कि वो बहुत ऊंचा और आगे जाए ईगल की तरह शाहीन की तरह टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड इन अनचार्टेड वाटर्स ऑफ़ क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल अनचार्टेड वाटर्स अनचार्टेड का मतलब होता है अनएक्सप्लोर्ड यानी इकबाल चाहते हैं कि उनकी यूथ मुसलमान उम्मा मुसलमान कौम वो वो काम करें वहाँ वहाँ जाए ऐसी ऐसी चीज़ें तख्लिक करें अपनी इंटेलेक्चुअल परसूद से अपनी जहानत से अपने दिमाग से कि जिसके बारे में कभी किसी ने तस्वुर भी ना किया हो द यूथ ऑफ इकबाल इज़ अ स्ट्रॉग बिलीवर इन इश्क अ करिएटिव एंड डायनामिक एनर्जी दैट हेल्प्स द यूथ टू डिस्कवर एंड सबड्यू न्यू स्टार्स ऑफ ऑरिजनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी वट डज़ इट मीन जो इकबाल की यूथ है वो इश्क के ऊपर बिलीव रखती है इश्क से क्या मुराद है यहाँ पे इश्क से मुराद इश्क हकीकी है जिस तरह इकबाल का एक शेर भी है इश्क बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में तो इश्क से यह मुराद अल्लाह ताला की मोहब्बत है तो इश्क जो है वो एक बिलीवर की लाइफ का हिस्सा है और इश्क को इकबाल ने एक क्रिएटिव और एनर्जी कहा है क्रिएटिव ऐसी एनर्जी को कहते हैं एक क्रिएटिव जिससे हम डिफरेंट तरह की चीज़ें तख्लीक कर सकते हैं जिस तरह इकबाल की क्रिएटिव एनर्जी जो है वो क्या थी पोइट्री थी और डायनामिक का मतलब होता है कि डायनामिक आपको मैं इसके मुतजाद से समझाती हूँ एक चीज़ होती है स्टेट स्टेटिव एनर्जी उसका ये मतलब होता है जैसा एक लीनियर मोशन आपने फिज़िक्स के अंदर पढ़ रखा होगा बिल्कुल जो एक चीज़ फ्लो में होती है सीधी होती है एक लाइन में होती है उसको लीनियर कहते हैं उसका अपोज़िट जो होता है वो डायनामिक एनर्जी होता है तो जो डायनामिक एनर्जी होती है ये ऐसी एनर्जी को कहते हैं जो इंसान को जोश देती है वलवला देती है मुख्तलिफ़ काम करने का इंसान को जज्बा देती है मुख्तलिफ तरह के काम करने का तो इकबाल जो हैं वो क्या चाहते हैं वो अपने नौजवानों के अंदर एक क्रिएटिव और डायनामिक एनर्जी देखना चाहते हैं दैट हेल्प्स द यूथ टू डिस्कवर एंड सब न्यू स्टार्स जो हिम्मत देती है इकबाल के नौजवान को कि वो नई चीज़ों को तलाश करें न्यू स्टार्स ऑफ औरिजनैलिटी एंड और इंडिविजुअलिटी और वो जो स्टार्स तलाश करें उनके अंदर खालस वो यूनिक हों अपने अंदर मुनफरद हों और ना के किसी का कापी किया गया काम हो मोर अवर इकबालस नौजवान इज़ अ मैन ऑफ खुदी खुदी का क्या मतलब है हैविंग सेल्फ़ अवेयरनेस हैविंग सेल्फ़ लव इस तरह इकबाल का एक शेर भी है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है द एब्सल्यूट खुदी इज़ इंफीटली क्रिएटिव नो दाई सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाई अब दाई सेल्फ जो है इट्स अवेड फ्राम ओल्ड इंग्लिश एंड इट मीन्स योर सेल्फ़ तो खुदी का कंसेप्ट नीचे डिफ़ाइन किया गया है और यही बताया गया है कि आप अपने आप को पहचानें और सक्सेस जो है वो आपकी होगी इकबाल एक्सप्रेसिज इफ़ मैन बिकम्स एम्प्रेर ऑफ हिमसेल्फ देन ही कैन लीड द वर्ल्ड इन हिज ओन डायरेक्शन और इकबाल का यही मानना है यही कहना है कि अगर इक अगर इंसान अपने आप को पहचान ले और अपना बादशाह बन जाए अपने आप को ख़ुद कंट्रोल करना शुरू कर दे तो वो दुनिया को अपनी डायरेक्शन में लेके जा सकता है एंड सच अ पर्सन कैन फाइंड आउट विद हिस सगेस्टी द पर्ल ऑफ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन और ऐसा ही शख्स जो है वो क्या कर सकता है अपनी सगेस्टी से अपनी विजडम से एक ऐसा पर्ल जो है वो ढूंढ सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए पर्ल से क्या मुराद हुई कि दर्द रखता है या कोई न्यू आइडिया फ्यूचर जनरेशन के लिए रख सकता है इसी चीज़ को नीचे इकबाल ने शायरी की फ़ॉर्म में लिखा है वही है साइब अमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गहरे फरदा अब इसी क्या मराद हुई कि इंसान वही है जो कोशिश करता है मेहनत करता है और ज़माने के समंदर से गहरे फरदा निकालता है इससे क्या मराद हुई कि पूरी दुनिया में ढूंढ के तलाश करके एक ऐसी चीज़ एक न्यू टैलेंट एक न्यू आइडिया सामने लेके आता है बट द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट कंटेंटेड विद वट ही हैज़ क्रिएटेड और इन्वेंटेड लेकिन इकबाल कहते हैं कि जो मेरी कौम है या इकबाल की नौजवान नस्ल है वो खुशी नहीं होती वो राजी ही नहीं होती उस काम के साथ जो वो करती है क्रिएट करती है या ईजाद करती है द स्पिरिट ऑफ इश्क एंड अदर नेम फॉर परपेचुअल स्ट्रगल और वह क्या कहते हैं इश्क जो है ये दूसरा नाम है लगातार कोशिश का मेहनत का स्पर्स हिम टू गो his ही वो कहते हैं कि इस इश्क की वजह से ही वो डिफरेंट वो स्टार्स से आगे जाना चाहता है यानी के जो कुछ भी नजर आता है उससे आगे जाना चाहता है इकबाल का एक शेर है ना सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तहा और भी हैं यानी बेसिकली इस लाइन में इकबाल यही कहना चाह रहे हैं कि वो उनका एक फिक्स्ड गोल नहीं होता और उनका एंड पॉइंट क्या है एंड गोल क्या है वो डेथ है मतलब अगर एक इकबाल के नौजवान नस्ल ने अपने लिए कोई गोल सेट किया है तो वो फॉर uh, एग्जांपल अगर मेरा गोल है कि मैंने पांच बच्चों को पढ़ाना है अगर मैं पांच बच्चों को पढ़ा लेती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ द एंड आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट गोल कि मैंने अब दस बच्चों को पढ़ाना है या पंद्रह बच्चों को पढ़ाना है और आई शिल कीप ऑन मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग अनटिल द डे ऑफ माई डेथ विल कम द मोटिव ऑफ इकबाल यूथ इज़ टू परसू हज इंटलेक्चुअल एंड स्परिचुअल गोल्स एंड दैन कंटिन्यू हिज जर्नी बियंड दिस गोल्स और अभी यही बात जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इकबाल कहते हैं वहीदुल्ला कहते हैं कि इकबाल की यूथ का यही मोटिव होना चाहिए यही पर्पज़ होना चाहिए कि वह अपने इंटलेक्चुअल यानी जहनी और स्परिचुल हमारा हमारे आप सबको पता है अंदर सोल है और सोल की है फूड जो है वो आसमानों से आए नो तो इकबाल कहते हैं कि हमें अपने आप को इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल गोल्स को पूरा करने में लगाना चाहिए और जब वो गोल्स हमारे फुलफ़िल हो जाएं तो हमें उनसे भी आगे जाना चाहिए इसी चीज़ को फिर नीचे शेर की फॉर्म में लिखा गया है हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा हयात जोक सफ़र के सिवा कुछ और नहीं अब इकबाल यही कह रहे हैं कि जो भी आपने अपने लिए एक फिक्स पॉइंट सेट किया उससे आगे एक और पॉइंट भी है आपके लिए और हयात जो कि नहीं जिंदगी का मज़ा जो है वो सफ़र के अंदर है सफ़र के सिवा कुछ और नहीं है द लाइफ ऑफ इकबाल यूथ इज डायनामिक एंड नॉट कन्फाइंड टू लिमिटेड मटीरियल अचीवमेंट एंड इन्जॉयमेंट ऑफ इट अब इकबाल फिर यही कह रहे हैं कि जो इकबाल की नौजवान नस्ल है वो डायनामिक है उसकी मल्टीपल गोल्स हैं उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं और वो सिर्फ एक गोल के साथ कन्फाइंड नहीं है या स्टिक नहीं है और वो थोड़े पे करके राज़ी नहीं हो जाती है या उसको इंजॉयमेंट में उसकी इंजॉयमेंट में नहीं लगी रहती है ही इंजॉय द करिएटिव जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी इन्वेंशन एंड इनोवेश और इकबाल की जो यूथ है वो मज़ीद एंजॉय करती है वो जितनी भी कोई इनोवेशन है न्यू इजाद है और वो तख्लीक करने पर और नई चीज़ों को ढूँढने में तलाश करने में खुश रहती है वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा ये संग खशत नहीं जो तेरी निगाह में है अब इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात की इकबाल कहते हैं कि वही जहाँ है तेरा जैसे तू पै, करे पैदा फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखाती हूँ और आपको मेरी सिखाई हुई चीज़ों से कोई फ़ायदा हासिल होता है तो आप मुझे अच्छे लफ्जों में याद रखते हैं तो दिस इज़ वर्ड आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ ये जो नीचे लिखा हुआ ये संगे खश्त यानी ये संग खशत से क्या मुराद है ये दर व ये पत्थर नहीं जो तेरी ने में है यानी कि वो कह रहे हैं कि आप ये समझते हो ना कि दर व दीवार पत्थर ये आपका वर्ड है ये आपका वर्ड नहीं है ये आपकी दुनिया नहीं है आपकी दुनिया वही है जो आपने आगे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया नुकसान पहुँचाया वट एवर आपने अगर भलाई की है तो वो आपका वर्ड है अगर आपने नासाफ़ी की है तो वो आपका वर्ड है द यूथ ऑफ इकबाल इज़ अ सियर एंड ही सोर्ज फ्राम हिज डिस्कवर्ड स्टार टू न्यू नोवा ऑफ ब्रिलियंस एंड इंस्पायरेशन फिर वही बात आ गई कि इकबाल की यूथ सीयर है वक् व बादल के दरमियाँ फ़र्क कर सकती है और वो मजीद तलाश करती है जो उसने एक न्यू नोवा एक न्यू स्टार को उसने डिफाइंड कर लिया वो उससे आगे जाकर उससे आगे देखना चाहती है अपनी ब्रिलियंस और इंस्पायरेशन के कि इससे आगे क्या है ये फिर शेर भी आगे सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इसके इम्तहाँ और भी हैं दीज आर द्यूज़ ऑफ़ इकबाल अबाउट द यूथ ऑफ द नेशन ये इकबाल को के नज़रियात हैं अपनी कौम को लेके। के इकबाल वॉन्ट्स टू सेंड हायर बेंच मार्क फ़ार द न्यू जनरेशन और इकबाल अपनी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा बुलंद अहदाफ़ का तयन करना चाहते थे करना चाहते हैं करना चाहते हैं क्यों हमने कहा बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं इकबाल वांट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के इस्तेमाल हुआ है ही वांट्स टू इनकलकेट इन दैम द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड डिस्कवरी इकबाल अपनी नौजवान नस्ल में क्या डालना चाहते हैं इजाद और नई तख्लीक का जज्बा डालना चाहते हैं बिकॉज़ यूथ आर टू लीड एंड टेक नेशन टू द हाइट ऑफ सेल्फ सफिशंसी एंड इंडिपेंडेंस क्यों डालना चाहते हैं क्योंकि किसी मुल्क की नौजवान नस्ल ही उसको ले जा सकती है किसकी तरफ सेल्फ सफिशेंसी सेल्फ सफिशंसी का क्या मतलब होता है कि आप आप अपने अंदर कंप्लीट होने को सेल्फ सफिशंस कहते हैं फॉर एग्जांपल इज़ पाकिस्तान अ सेल्फ सफिशेंट कंट्री नो पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेल्फ़ सफिशेंट कंट्री बिकॉज वी इम्पोर्ट सो मैनी थिंग्स इन अवर कंट्री चाहे वो पेड़ गेजट्स uh, हो जाएँ चाहे फूड आइटम्स हो जाएँ मेडिसन्स हो जाएँ तो वी आर नॉट सेल्फ़ सफिशेंट वी आर नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट वी डिपेंड ऑन सो मैनी अदर कंट्रीज़ तो सेल्फ सफिशेंसी का मतलब होता है ख़ुद मुख्तार होना द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट अ थिंकिंग हैट अ मैन ऑफ एक्शन माइल्ड इन स्पीच बट एंथजियाटिक इन एक्शन वेदर ही इज़ इन द बैटल फील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड ही इज प्योर इन हेड एंड हार्ट अब नीचे क्या कह रहे हैं जो इकबाल की नौजवान नसल है वो थिंकिंग हेमलेट नहीं होता हेमलेट क्या है ये बेसिकली शेक्सपियर का एक प्ले है शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर अंग्रेज़ों का अंग्रेज जिसको अपना काइंड ऑफ लिटरेरी खुदा मानते हैं उसका वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसका एक प्ले है हेमलेट है और उसमें एक हीरो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम भी हेमलेट है और हेमलेट की ख़ूबी क्या है कि ही कीप्स ऑन थिंकिंग वो हर वक्त सोचता रहता है उसका फेमस डायलॉग है टू डू और नॉट टू डू वो हमेशा यही सोचता रहता है करूं या ना करूं तो इकबाल ने ये इस चैप्टर के अंदर अल इस्तेमाल हुआ है हेमलेट के ज़रिए से और वहीदुल्ला कहते हैं कि जो इकबाल का नौजवान है वो थिंकिंग हेमलेट नहीं है वो सिर्फ़ सोचता नहीं है बल्कि वो मैन ऑफ एक्शन है जैसे कि अंग्रेजी कहावत भी है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स तो वही यही कहती हैं कि इकबाल की नौजवान नस्ल एक्शन करती है माइल्ड इन स्पीच कम गो है बट एंथुजियास्टिक इन एक्शन लेकिन पुरजोश होकर एक्शन करती है काम करती है चाहे वो बैटलफील्ड में जंग के मैदान में हो या दोस्त की कंपनी में वो दिलो दिमाग उनका हमेशा साफ होता है एंड देर नो कि उन्होंने क्या करना है और किस वक्त करना है इसी चीज को नीचे फारसी शेयर में इकबाल ने बयान किया है नर्म दम गुफ्त गु गर्म दम जस्तजु रजम हो या बजम हो पाक दिल ओ पाक बाज यानी कि इकबाल का कहते हैं नरम क्या होता है सॉफ्ट होने का किसी चीज़ के कमी को भी नरम होना कहते हैं नरम दम गुफ्तगु यानी गुफ्तगू कैसी है काम गुफ्तगू बहुत ज़्यादा नहीं है माइल्ड है गर्म दम जो जु। उर्दू में भी हम गर्म जोश वलवला के लिए गर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन जस्त जो जु उनकी कोशिश जो है वो बहुत ज़्यादा है रजम हो या बजम रजम के ये जो जो कन्फ्लिक्ट होता है जिस इंसान के साथ उसको हम बेसिकली रजम कहते हैं और बजम आप सबको पता है बजम दोस्त की महफिल को कहते हैं तो क्या लिखा है रजम हो या बजम पाक दिल ओ पाक बाज दिलो दिमाग जो है उसका साफ होता है इकबाल के नौजवान का इट कैन बी कंक्लूडेड दैट यूथ वाज द मेन फोकस ऑफ इकबाल अब क्या कह रहे हैं कि ये कंक्लूड किया जाता है कि जो इकबाल की यूथ है वही बहुत ज़्यादा इकबाल का फोकस थी क्योंकि इकबाल ये जानते थे इकबाल ये समझते थे कि किसी मुल्क की नौजवान नस्ल ही उसको तरक्की की तरफ गामजन कर सकती है ही डिक्लेयर्स यूथ अ सिंबल ऑफ़ होप एंड फ्यूचर ऑफ़ द नेशन इसी वजह से इकबाल ने यूथ को क्या कहा होप कहा उम्मीद का सूरज कहा और फ्यूचर कहा किसी नेशन का इफ़ यंग जनरेशन इज़ रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ़ दुमा अगर नौजवान नस्ल तैयार हो जाए अपना हिस्सा डालने के लिए किस चीज़ में प्रोग्रेस में तरक्की में और प्रोस्पैरिटी खुशहाली में ऑफ़ दमा उम्मा मीन्स द होल मुस्लिम कम्युनिटी द होल मुस्लिम वर्ल्ड नाट ओनली पाकिस्तान दैन डे इज़ नाट फार ऑफ द होल मुस्लिम कम्युनिटी विल राइज एज माइटी पावर क्या कह रहे हैं कि फिर वो दिन कतन ही दूर नहीं जब पूरी मुसलमान उम्मत जो है वो एक होकर उभरेगी विच नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड विल एबल टू सब और दुनिया की कोई भी ताकत उसको गिरा नहीं सकेगी जिस तरह पाकिस्तान के लिए एक शेर है हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन तुमको जिंदा रहना है कयामत की शहर होने तक तो इसका यही मतलब है कि अगर हम सब एक हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, तो फिर कोई भी ताकत जो है वो पाकिस्तान को या पूरी मुस्लिम उम्मा को किरा नहीं सकती हरा नहीं सकती दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर अगेन जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपको फिर भी समझ नहीं आएगा तो थंबनेल के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है समझ आ रहा है तो आई वुड अप्रीशियेट इफ़ यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड इनशा आई एल करिएट नेक्स्ट वीडियो ऑन द क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी पोर्शन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन विद मी अल्लाह हाफ फॉर टुडे